हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबको सुबह की गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और 11 बजे मैं अपना फिर से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और आज का भी ब्लॉग छत पे से स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैं छत पे कपड़ा धोने आई हूँ। और अब मानसून मतलब आ गया है, तो आप सबको हैप्पी मानसून। और बताइएगा आप लोग को उधर बारिश हो रहा है कि नहीं? हम लोग इधर कल से ही बारिश हो रहा है, तो अब लग रहा है कि ठंडा मतलब मौसम एकदम ठंडा ठंडा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आप लोग को। कल बारिश नहीं हुआ, कल मतलब घेर घार किया था लेकिन बारिश नहीं हुआ। और रात से बारिश होना स्टार्ट हुआ है। तो लेकिन वो बोलते हैं ना कि खूब मूसलाधार वाला जो बारिश होता है वो तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जितना भी हो रहा है बारिश तो कम से कम हो रहा है ना। तो आप सबको हैप्पी मानसून फिर से दोबारा मैं बोल देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, देखिए कितना अच्छा टिप 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 पानी पड़ रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा और पानी पड़ने के मात्र पूरा हरियाली हो जाता है। देखिए बहुत अच्छा मौसम हो गया है। देखिए आसमान। तो मैं आई हूँ छत पे कपड़ा धोने के लिए, लेकिन क्या है ना कि पानी ही नहीं आ रहा है। देखिए कितना कम पानी आ रहा है, तो इतना कम पानी में कब तक कपड़ा धोएगा? तो मैं सोच रही कि थोड़ा देर बंद करके नीचे चली जाऊं कि थोड़ा देर पानी स्टोर हो जाएगा, उसके बाद मैं आऊंगी धोने के लिए। लेकिन बार बार नीचे जाओ ऊपर आओ तो जाने आने का मन भी नहीं करता है। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं और आप लोग के उधर बारिश हो रहा है कि नहीं? अभी तो पूरा मतलब ऑल इंडिया, नेपाल कहीं भी हो, चारों ओर अभी मानसून का सीज़न है तो चारों ओर बारिश हो रहा होगा। लेकिन हम लोग के इधर अभी बारिश स्टार्ट हुआ है। इतने दिनों से बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन के बाद मतलब बारिश हो रहा है। अब जितना भी लोगों को धान रोपना होगा सब रोप सकते हैं। और मैं आज बाल वॉश करके नहाई थी और कल जो मैं तेल बनाई थी वही तेल में बाल में लगाई थी और वही बाल वॉश करके मैं नहाई हूँ आज। तो देखिए ऐसे भी मतलब क्या बोल रही थी मैं, ऐसे भी मानसून जब होता है ना, बारिश होता है तो अपने आप बाल बहुत झड़ते हैं। तो इसलिए मैं कल तेल बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगे तो बनाया मतलब ज़रूर बना के एक बार ट्राई करिएगा। उससे बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ता है, तो बहुत अच्छा तेल है। पता नहीं यहाँ पे मेरे देखिए कैसे दाना दाना निकल गया इतना दूर। तो चलिए बने रही ब्लॉग में, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। पहले कपड़ा का देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टंकी में पानी ही नहीं है, इतने दिनों से जो सूखा पड़ा था वो अभी तक सूखा ही है धरती। अभी तक पानी मतलब प्रॉपर जो पानी आता है वो नहीं आ रहा है। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो मैं देखिए उस टाइम मिलने के बाद अभी मिल रही हूँ, डायरेक्ट शाम को ही मिल रही हूँ। शाम के बज रहे 5 और मैं 5 बजे आप लोगों से मिल रही हूँ। और क्या हुआ ना कि उस टाइम कपड़ा उपड़ा धो के आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और सो के मैं उठी हूँ 4 बजे के करीब। तो 4 बजे उठी तो फिर चाय पानी हुआ, नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। तो बहुत टाइम हो गया। और ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये जो मेरा छोटा सा जो टेबल है इसमें ये मैं सब साफ की हूँ। देखिए अभी मैं तुरंत ये सारा मैं डब्बा हुआ सब साफ की, ये सब धोकर अभी मैं यहाँ पे रखी हूँ। और ये दो मतलब दो खंड का है ये, तो ये दोनों खंड में साफ की हूँ। और इसके ऊपर का भी, ये पूरा फ्रिज के ऊपर का भी मैं पूरा साफ की हूँ अभी। और यहाँ पे दूध वाला भाई अभी आया तो दूध भी रखी हूँ बॉयल होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सारा जो बर्तन था वो सब धो दी, क्लीन कर दी पूरा। इसमें थोड़ा सा चावल बच गया है दिन का। और यहाँ पे राजमा भिगो दी हूँ सुबह में बनाने के लिए। तो यही सब साफ सफाई कर रही थी जो टाइम लग गया, इसलिए ब्लॉग भी नहीं है। इसी समय टाइम लग गया तो ब्लॉग भी नहीं है स्टार्ट की। तो
सुबह में थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ दी थी, और सुबह में थोड़ी देर के लिए ही बारिश हुआ, उसके बाद से बारिश भी बंद हो गया। तो मैं कपड़ा धो के सुखाई, तो पता नहीं कपड़ा सूखा है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगी थोड़ी देर में देखने के लिए, सूखा हुआ तो ले आऊंगी। और रात को इस वाले बच्चे मतलब बच्चों के रूम में लाई थी मैं कपड़ा, कुछ गीला था तो वैसे ही बेड पर यहाँ पर रखी हूँ, तो ऐसा ही बेड पर रखा ही है। और बोलते हैं ना कि काम नहीं है, लेकिन बहुत घर में काम रहता है, काम करते करते हम लोग थक इतना जाते हैं ना कि मन नहीं करता है कुछ करने का। तो वही है, सारा काम तो अब डन हो गया, अब रात का खाना पीना का है, तो देखिए क्या बनेगा। वैसे भी दिन का चावल थोड़ा सा बच गया है, और बाकी के जो खाएंगे बच्चे से बोलेंगे तो मैं बना भी दूँगी। पूरा पसीना से गीला हो गया है। तो यही है आज का ब्लॉग, तो यही ऐसे ऐसे ही रह गया। तो बताइएगा आप सब के मतलब काम हुए कि नहीं, आप लोग का क्या हाल है। हम लोग हाउस वाइफ का तो एक यही रहता है, खाना बनाना, खिलाना, नाश्ता बनाना, चाय पानी, इसी में दिन चला जाता है, मालूम ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुआ कब शाम हो गया। तो देखिए सुबह में उठी, फिर चाय पानी हुआ, फिर उसके बाद खाना पीना बना, फिर सबका नहाना धोना हुआ, फिर सब खाएं, फिर बर्तन धो, फिर कपड़ा धो के सुखाएं, उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी, कम से कम मैं एक घंटा इतना लेटी होंगी, 2:30 बजे के करीब मैं लेटी, और 3:30-4:15 में तो मैं उठी गई। उसके बाद से फिर वही चाय पानी, खाना पीना, नाश्ता उश्ता करते करते मतलब इतना टाइम हो गया, 5 से ज़्यादा ही हो रहा है, 5 से मतलब 5:30 बजने जा रहा है। तो क्या करें, हम औरतों का यही काम है, हाउस वाइफ होना बहुत मुश्किल बात है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पूरा घर को मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से आप अकेले रहिए ना कि तो और भी मुश्किल हो जाता है, कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं रहता है तो और प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोई नहीं, क्या करें, भगवान ने अकेला ही भेजे हैं तो अकेला ही सब करना पड़ेगा, तो क्या करें। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों को पका दी शायद मेरे बातों से, आप लोग पक भी गए होंगे, तो कोई नहीं, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक भी प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और मुझे मालूम है कि बहुत लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, बहुत मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में, और ऐसे देख के छोड़ दीजिएगा तो मेरा भी मन टूट जाएगा, क्योंकि देखिए सारा घर का काम करके फिर टाइम निकाल के ब्लॉग भी मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ब्लॉग भी बना देती हूँ, तो होता है ना कि एक मेमोरी रहेगा, ये सारे क्लिप तो रहेंगे ना, मतलब एक एक दिन तो मतलब कम हो रहा है सबका, है नहीं, देखिए मेरा नहीं सबका कम हो रहा है। तो देखिए हम लोग अभी कैसे हैं, 10 साल के बाद कैसे रहेंगे, ये सब मतलब एक मेमोरी रहता है कि चलो रहेगा तो फिर हम लोग कभी देखेंगे इसको, तो चाहे हमारे बच्चे देखेंगे तो बोलेंगे कि मेरी मम्मी पहले ऐसी थी। दिन पर दिन तो हम लोग अब बूढ़ी होते जा रहे हैं, तो अब क्या करें। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं मिलूँगी फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ, तो प्लीज़ देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, और रात ये मेरा ब्लॉग तो रात के ही जाएगा, तो आप सबको गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।